राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जोधपुर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूर्यनगरी में दिन भर की उमस के बाद सोमवार देर शाम शुरू हुई बारिश का दौर मंगलवार तक जारी रहा। शहर के रेलवे स्टेशन, अस्पताल, सब्जी मंडी और भदवासिया मंडी सभी जगह पर दो दो फीट पानी भर गया, जिसके चलते लोग परेशान हुए। सुरपुरा बांध भी ओवरफ्लो हो गया। वर्षों से बंद उमेद नहर में भी आज पानी का बहाव देखने को मिला। शहर में जगह जगह SDRF की टीमें भी तैनात की गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की दूसरे दिन की पूछताछ हुई। वहीं पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में सत्याग्रह कर रही है। पार्टी सांसदों के साथ राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के सभी सांसद पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च करते हुए जा रहे थे, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोका था। गौरतलब है कि सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में इससे पहले 21 जुलाई को पूछताछ हो चुकी है। वहीं कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस के बड़े नेताओं को राजघाट भी नहीं जाने दे रही और प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। हालांकि दफ्तर के बाहर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध में काले गुब्बारे उड़ाए। राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को आयोजित हुई रीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जारी हो गए। दो दिन चार पारियों में लेवल 1 और लेवल 2 के चार पेपर का आयोजन किया गया था। इस दौरान अलग अलग सीरीज के 16 पेपर कैंडिडेट्स को दिए गए, जिन्हें पात्रता परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स रीट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। गौरतलब है कि दो दिन होने वाली भर्ती परीक्षा में राजस्थान समेत देश भर के 15 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। ऐसे में क्वेश्चन पेपर के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग इसी सप्ताह रीट के फर्स्ट आंसर की भी जारी कर सकता है। CBSE 12वीं का परिणाम आने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने सरकारी कॉलेजों में 25% सीटें बढ़ाई हैं। वहीं प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 जुलाई कर दी है। प्रदेश के 439 सरकारी कॉलेज स्नातक प्रथम वर्ष में छात्र बढ़ी हुई तारीख तक आवेदन कर सकेंगे। इस बार आवेदन की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस बार प्रवेश परसेंटाइल फॉर्मूले की जगह पर्सन के आधार पर होगा। इसीलिए राजस्थान बोर्ड और CBSE के छात्रों को पर्याप्त मौका देने के लिए सीटों में इजाफा किया गया है। आर्ट्स और कॉमर्स के प्रत्येक सेक्शन में सीटों की संख्या 100 जबकि विज्ञान संकाय में सीटों की संख्या 88 कर दी है। भारत की मेजबानी में होने वाले G20 सम्मेलन की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हो सकती है। ये बैठक 5 से 7 दिसंबर के बीच होनी है। इस बैठक में G20 देशों के राजनयिक शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रहे उदयपुर में इस बैठक को करने की तैयारियों को लेकर केंद्र के 5 अधिकारियों का दल सोमवार को उदयपुर पहुंचा। ये दल 3 दिन के इस कार्यक्रम में राजनयिकों की बैठक, कल्चरल प्रोग्राम और सैर के लिए वेन्यू तय करेगा। साथ ही राजनयिकों के स्टे के लिए भी वेन्यू तय किया जाएगा। ये टीम जग मंदिर, कुंभलगढ़ और रणकपूर का विजिट भी करेगी। राजस्थान में फूड लाइसेंस बनाने के लिए 26 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस बार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत व्यापारियों को खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य है। आवेदक प्रोपराइटर की संपूर्ण विवरण, नाम पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, मालिक का आधार कार्ड, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्माण इकाई के नियंत्रित दस्तावेज, यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद इकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराइटर का आधार कार्ड दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था भले ही सुधरे या नहीं, लेकिन आने वाले समय में लोगों को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए चार्ज देना पड़ेगा। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो यूजर चार्ज की वसूली अगले साल से शुरू हो सकती है। जयपुर शहर में कचरा कलेक्शन के लिए जो टेंडर किए गए हैं उसमें कंपनी को ये चार्ज वसूलने के लिए अधिकृत किया है। ये चार्ज 20 रुपए से लेकर 150 रुपए तक वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में किसी भी तरह की अच्छी सर्विस अगर कोई चाहता है तो उसे वह बिना यूजर चार्ज दिए नहीं मिल सकती। जयपुर में सफाई व्यवस्था और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बेहतर सर्विस चाहिए तो लोगों को यूजर चार्ज देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये चार्ज कोई ज्यादा नहीं है, इससे व्यक्ति का सीधे सिस्टम में सुधार को लेकर इन्वॉल्वमेंट होता है। राजस्थान में नकली नोट प्रिंट करने वाले अब तक के सबसे बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। बीकानेर में पकड़े गए 6 आरोपियों से पुलिस ने 2,74,00,000 से ज्यादा रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। देशभर में इन्होंने ये नकली नोट चलाए हैं। बीकानेर रेंज के IG ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि इस गिरोह के सभी सदस्यों के बड़े बड़े शौक थे। पुलिस ने रेड के दौरान युवकों से 4 गाड़ियां भी बरामद की हैं, जो करीब 60,00,000 रुपए की हैं। ये जुआ सट्टा में बड़ी रकम लगाते थे। सभी सदस्य महंगे नशे में जैसे MD वफीम के भी आदि हैं। इसके अलावा चंपालाल शर्मा ने नोखा के सुरपुरा में आलिशान मकान बनाया है। इसकी कीमत 1,00,000 रुपए में आंकी जा रही है। पुलिस इनकी प्रॉपर्टी देखकर हैरान है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में एक बेकाबू ट्रेलर ने रात करीब 12 बजे 60 कांवड़ियों से भरे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कांवड़ियों से भरा ट्रक पलट गया। 40 से ज्यादा कांवड़िए घायल हो गए। दरअसल मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित ठीकरिया चौराहे के समीप स्पीड में आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने रोड किनारे चल रहे कांवड़ियों हुए ट्रक को टक्कर मार दी। चीख पुकार के बाद ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकाला। सूचना पर मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में एक ट्रक में भयंकर आग लग गई। आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा चल गया और दूसरे को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक सड़क पर चलता ट्रक डिवाइडर में फंस गया। ड्राइवर ने जबरदस्ती ट्रक को निकालना चाहा तो ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलते ही पीलीबंगा पुलिस और दमकल ने मौके पर पहुंचकर ट्रक में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। साथ ही अंदर रह गए ड्राइवर और खलासी को बचाने का प्रयास किया। इस आग में खलासी जिंदा जल गया और ड्राइवर को बचा लिया गया। ड्राइवर को पुलिस ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। हालत गंभीर होने की वजह से ड्राइवर को तुरंत ही हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया।